बुद्धिमान अर्थात आत्म तत्व वेत्ता की अपने पुत्र स्त्री आदि स्वजनों में किसी प्रकार का स्नेह भाव मोह का भाव नहीं होता, उसकी विषयों में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, वह अपने शरीर में निश्चिंत रहता हुआ आशा रहित हुआ शोभायमान होता है। तत्वज्ञानी प्रारब्धावशात जो भी सामने आता है उसमें भरता हुआ संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रूप से वह प्रत्येक जगह है और जहां भी सूर्यास्त होता है वहीं सो जाता है। आत्मानुभूत रूपी भूमि पर सदैव विश्राम करने वाले संसार को पूर्णतया भुला चुके महात्मा को इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा या फिर जीवित रहेगा। बुद्धियुक्त तत्वज्ञानी गृहस्थादि के धर्मों से मुक्त हुआ, विधि निषेधादि के प्रति लापरवाह, सभी द्वंद्वों से मुक्त, शंका रहित, सभी भावों में निरासक्त रहता हुआ निर्विकार भाव से रमण करता है। ज्ञानी मेरे तेरे के भाव से उठा हुआ मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि रखता हुआ हृदय की समस्त ग्रंथियों को भली प्रकार खोलकर रजोगुण और तमोगुण भली भांति धोकर शोभायमान होता है। जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं, जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं है, जो भली भांति संतुष्ट है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं, वह तो अतुलनीय है। जो जानता हुआ नहीं जानता, जो देखता हुआ नहीं देखता और जो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति वासना रहित महापुरुष के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? जिसकी समस्त भावों में श्रेष्ठ व अश्रेष्ठ का विचार करने वाली बुद्धि गल चुकी है, नष्ट प्राय हो चुकी है, ऐसा निष्काम भाव वाला भिक्षु हो या कि सन्यासी, वही सुशोभित होता है। छल कपट रहित सरल मना सच्चे योगी के लिए कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ संकोच और कहाँ तत्व का निश्चय, अर्थात ये शब्द कोई अर्थ नहीं रखते। जो तत्वज्ञानी आत्मा में विश्रांति पाता हुआ सर्व प्रकार से संतुष्ट है, जो समस्त प्रकार की आशा को समाप्त कर चुका है, जो समस्त दुखों से परे है, उसके हृदय में जो अनुभव हो रहा है उसे किससे कहा जा सकता है? वह अनिर्वचनीय है। तत्ववेत्ता धीर अर्थात ज्ञानी सुषुप्ति अवस्था में भी सोता हुआ नहीं है, स्वप्न में भी वह सोया हुआ नहीं होता और न ही जागृत अवस्था में जागा हुआ होता है, वह तो प्रत्येक पग पर संतुष्ट होता है। ज्ञानवान देखने में चिंतावान लगता है, लेकिन वास्तव में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होता है, वह सभी इंद्रियों के विषयों में रमण करता हुआ भी विषयेंद्रिय के संस्पर्श से पूर्णतया परे रहता है, इसलिए वह इंद्रियवान होता हुआ भी इंद्रिय वाला नहीं होता, बुद्धिमान होता हुआ भी निर्बुद्धि रहता है और अहंकार युक्त दिखता हुआ असल में अहंकार रहित होता है। तत्वज्ञानी न सुखी होता है न दुखी और न विरक्त होता है, न ही आसक्त, न वह मुमुक्ष होता है न ही मुक्त, वह कुछ भी नहीं होता और कुछ होता भी है अर्थात तत्ववेत्ता इन सभी द्वंद्वों से परे होता है। धन्य है वह तत्वज्ञानी जो विक्षेप की परिस्थिति में विक्षिप्त नहीं होता, असंतुलित नहीं होता, समाधि अवस्था में होता हुआ इस अहंकार से युक्त नहीं होता कि वह समाधिस्थ योगी है, इसलिए वह समाधि संपन्न नहीं होता, जड़ता में रहता हुआ भी वह जड़ नहीं होता और न ही पंडित ही होता है, जबकि पांडित्य से पूर्णतया परिपूर्ण होता है, जो ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है वही धन्य है। सभी बंधनों से मुक्त जैसी भी परिस्थिति आए उसमें स्वयं में स्थित रहने वाला, किए गए कर्तव्य रूप में किए जाने वाले कर्म से निवृत्त, सभी स्थितियों परिस्थितियों में समान रहने वाला, किसी तृष्णा के न होने के कारण किए न किए गए कर्मों का स्मरण नहीं करता। तत्वज्ञानी की यदि कोई वंदना करे तो वह उससे प्रसन्न नहीं होता, यदि कोई भी निंदा करे तो वह क्रोधित नहीं होता, इसी प्रकार यदि मृत्यु उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाए तो वह उत्तेजित विचलित नहीं होता, न ही जीवन प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त करता है, वंदना निंदा मृत्यु और जीवन उसके लिए एक समान है। शांत बुद्धि वाला तत्वज्ञानी न तो भीड़ भाड़ वाले स्थान की ओर भागता है न जंगल की ओर एकांत में, वह जिस किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, उसके लिए कुछ विपरीत नहीं, सब अनुकूल ही अनुकूल है। 19वां प्रकरण। महाराज जनक जी कहते हैं, तत्वज्ञान रूपी सनासी से हृदय के बाहर और भीतर में विधे हुए नाना विध संकल्प विकल्पात्मक रूप बाणों को मैंने निकाल लिया है।
अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां धर्म अर्थ और काम और विवेकशीलता, कहां द्वैत और कहां अद्वैत। अपनी महिमा में स्थित नित्य मुझ में कहां भूत, कहां भविष्य, कहां वर्तमान और कहां देश, देश काल से परे हूं मैं। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां आत्मा और कहां अनात्मा, कहां शुभ और कहां अशुभ, कहां चिंता और कहां अचिंता, अर्थात मैं तो इन सबसे परे हूं, मुझ में ये कहां। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां स्वप्न, कहां सुषुप्ति, कहां जागृति अवस्था और कहां तुरिया अवस्था, मुझ में कहां भय, इसमें कुछ भी तो नहीं है। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहां दूरी है, कहां समीपता है, कहां वाह है, कहां भीतर, कहां स्थूल है, कहां सूक्ष्म, मैं इन सभी से परे हुआ स्वस्वरूप में स्थित हूं। मुझ अपनी महिमा में स्थित कहां मृत्यु, कहां जीवन, कहां भू आदि 14 लोक और कहां उन लोकों में किया जाने वाला सांसारिक व्यवहार, कहां लय और कहां समाधि। आत्मा में विश्राम पाए मुझ में तीनों पुरुषार्थों की कथा से क्या, योग की कथा से क्या, ज्ञान विज्ञान की कथा से क्या, अर्थात इन सभी से मुझ में कोई प्रयोजन नहीं। 20वां प्रकरण। मुझ निर्दोष स्वरूप में कहां पंच महाभूतादि, कहां शरीर और कहां इंद्रियां, कहां मन है, कहां शून्यता और कहां निराशा है, अर्थात कहीं कुछ भी नहीं है। जिसके समस्त द्वंद समाप्त हो गए हैं, ऐसे मुझ में कहां शास्त्र, कहां आत्मज्ञान, कहां विषयों से परे मन, कहां तृप्ति, कहां विषयों की इच्छा का अभाव, अर्थात कुछ भी नहीं है। मेरे स्वरूप में कहां नाम रूपात्मकता है, उसमें कहां विद्या है, कहां अविद्या, कहां मैं हूं, कहां यह और मेरापन, कहां बंधन है और कहां मोक्ष, कहने का तात्पर्य इसमें कुछ भी नहीं है। जिसके लिए कृत अकृत धर्म अधर्म कुछ भी शेष नहीं रह गए हैं, ऐसे महापुरुष के लिए कहां प्रारब्ध कर्म, कहां जीवन मुक्ति, कहां विदेह कैवल्य, अर्थात ये सब सब निरर्थक हैं। मुझ सदैव स्वभाव रहित में कहां कर्तापन तथा कहां भोक्तापन, कहां निष्क्रियता, कहां क्रियाशीलता और कहां प्रत्यक्ष ज्ञान, फलस्वरूप विषयाकार वृत्त विच्छिन्न चेतन। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहां संसार, कहां मोक्ष की इच्छा, कहां योगी, कहां ज्ञानवान, कहां बंधन और कहां मुक्ति, अद्वैत में इनमें से कुछ नहीं होता, ये सभी तो द्वैत में होते हैं। मुझ अद्वैत स्वरूप में कहां सृष्टि की उत्पत्ति और कहां उसका विनाश, कहां साध्य साधन साधक और कहां सिद्धि, अर्थात कुछ भी तो नहीं है। सदा मेरे शुद्ध स्वरूप में कहां प्रमाता प्रमाण प्रमेय और ज्ञान, कहां कुछ कहीं कुछ भी नहीं। सर्व प्रकार से निष्क्रिय मुझ में कहां विक्षेप, कहां एकाग्रता, कहां अज्ञानता, कहां अविवेकशीलता, कहां हर्ष और कहां विषाद, ये द्वैत के भाव तो क्रियाशील में होते हैं और क्रियाशील अहं बुद्धि युक्त होता है। सदैव निर्मल रूप रहने वाले मुझ में कहां संसार का व्यवहारिक रूप और कहां परमार्थिक सत्ता, कहां सुख और कहां दुख। कल्याण स्वरूप सभी उपाधियों से परे मुझ में कहां उपदेश, कहां शास्त्र, कहां शिष्य, कहां गुरु और कहां परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष, कुछ है भाव रूप या कहीं कुछ भी नहीं है, अर्थात अभाव रूप है, कहां एक है और कहां दूसरा, अब क्या ज्यादा कहना, कुछ भी नहीं, मुझ में कुछ भी नहीं उठता, अर्थात मेरे चित्त में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं उठती। सभी उपाधियों से रहित शिव स्वरूप मुझ में कहां उपदेश और कहां शास्त्र, कहां शिष्य, कहां गुरु, इतना ही नहीं, मेरे लिए पुरुषार्थ मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ भी अर्थहीन है अथवा नहीं है, एक है या दो, ये कहां है आत्मरूप मुझ में, बस इतना ही, इससे आगे कहने का कोई लाभ नहीं है। अष्टावक्र गीता संपूर्ण।